हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं दोपहर के, आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, तो लंच में मैं आज बनाऊंगी रोटी। तो ये मैंने आटा यहाँ पे गूंद लिया है, आटा वाल ले लिया है, सब कुछ मैंने यहाँ सेटअप कर लिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। आज आफ्टरनून में रोटी खाऊंगी, क्योंकि ठंड की वजह से हाथ पैर वगैरह सब सूज गए, ठंड बहुत लगी है, तबीयत सही नहीं लगी, तो भात खाने से बहुत ठंड लगती है। भात, वैसे भी चावल ठंडे होते हैं, तो इससे भात कम ही खाओ सही है, इसलिए रोटी बनाकर रोटी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। जब मैं जा रही रोटी बनाने, लंच बनाने, तो मैं जा रही पहले रोटी बनाने, रोटी बना के खा के फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी रोटी बनाने, तो गाइस, मैं खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं कह रही थी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, तो मुझे खाना खाने के बाद सो गई थी। मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट शाम हो गई थी, बाबू जबरदस्ती रही थी, मम्मा उठो उठो कुछ बनाते हैं कुछ बनाते हैं। तो गाइस, फिर मैं उठी, उठ के फ्रेश हुई, थोड़ा फ्रेश होकर उसके बाद मैं बनाने चली पोहे। तो आज मैंने मटर, बीन्स, प्याज, टमाटो के साथ पोहे बनाए हैं। मेरे साथ साथ आलू ने भी पोहे बनाया है, तो चलो मैं आपको आलू के पोहे दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी बनाया आलू के पोहे, चलो मैं दिखाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखो आलू ने पोहे बनाए, ये देखो कितने सुंदर पोहे बनाए आलू ने। जैसे जैसे मैंने डाला कढ़ाई में, पहले तेल, फिर सरसों, उसके बाद डाले प्याज, बीन्स, हरी मिर्च, ये सब डाल के फ्राई किए। सेम उसने डिट्टो मेरी तरह देख के उसने भी पोहे बनाए। तो थोड़ा दूर रखा मैंने उसको गैस से, बट फिर भी उसने काफ़ी सुंदर सा टेस्टी सा बनाया है पोहे। मैंने टेस्ट करके देखा, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। जल्दी इसलिए बन गए थे क्योंकि वो छोटा सा फ़ैन था और मेरा कढ़ाई है, तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो मैंने इसमें डाले प्याज, टमाटो, हरी मिर्च और बीन्स और मटर, ये सब डाल के। तो मेरे टमाटो प्याज मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी चूड़ा, डालूँगी चूड़े के पोहे बनते हैं, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें पोहे, तो मेरी पोहे की रेसिपी कम्प्लीट हो जाएगी। तो गाइस, मेरी पोहे की रेसिपी कम्प्लीट हो गई, जैसे कि आप देख पाए काफ़ी शानदार टेस्टी, मटर बीन सबके साथ काफ़ी टेस्टी मैंने पोहे बना लिए। तो आज का रेसिपी मेरा था पोहे इवनिंग का। और यहाँ पे आलू देखो खेल रही है, आलू जय श्री राम बोल के कहो, जय श्री राम। गाइस देखो, बाबू ने अपने पापा के लिए रोटी बनाई है, कितनी छोटी सी टेढ़ा मेरा रोटी। और यह सब्जी बनाई है, बीन्स आलू की भुजिया। वाह, अब बाबू सर्व कर रही है, करो करो सर्व करो फटाफट, जल्दी दो, भूख लग गई होगी पापा को। ये देखो पापा अपने बाबू अपने पापा को खाना दे रही है, देखो।